अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल वीडियो। आप लोग के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कि मैं आप लोगों के लिए मिनी वॉशिंग मशीन की वीडियो लेकर आऊँ। जी हाँ, बेस्ट मिनी वॉशिंग मशीन का कंप्लीट रिव्यू आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। ये भी बताया है कि इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी, इसलिए वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त वॉशिंग मशीन है, जिस तरह आप घर में बड़ी वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, समझ लें उसी का छोटा वर्जन है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो चलिए बगैर किसी इंतजार के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जी ये है, पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ आप लोगों को। तो ये है गाबा नेशनल की वॉशिंग मशीन है, ये इंपोर्टेड वॉशर है। अच्छा, इसमें ये इन्होंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, जी से गाबा, एन से नेशनल, ई से इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये टोटल फॉर्म इसका ये आ गया। अदरवाइज अगर तक किसी कस्टमर को गाबा नेशनल नहीं लिखा हुआ नजर आता तो ये जी एन ई देख ले। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने ये बनाया है, इसका पूरा टाइमर जो है इस तरीके से कवर किया हुआ है, जो है। अभी तक किसी भी कंपनी ने इस तरीके से कवर करके नहीं दिया है बेबी वॉश में। अच्छा, इसका एक सिस्टम है वॉशिंग का और दूसरा सिस्टम है स्पिन का। ठीक है, अगर से हमें वॉश करना है तो हम सिर्फ वॉशर पर रखेंगे और स्पिन करना है तो हम इसके रोटेशंस को थोड़ा मूव कर देंगे। ओके, तो ये आपका स्पिन पे चले आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्पिन कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसका एक टाइमर सिस्टम आ गया, ये तो नॉर्मली आप लोगों को पता ही होता है। अच्छा, इसके अलावा ये पूरा ग्लास डोर बनाया हुआ है, टीकॉन ग्लास होता है। जी, अगर से कुछ चीज हैवी वेट पे गिर भी जाए तो ये टूटने वाला नहीं है, खराब नहीं होगा। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, पहले जो इसमें इन्होंने दिया हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका पूरा रूलर है, ये भी तकरीबन आपका 1 से लेके और 8 इयर्स तक के बच्चे इसमें आप कपड़े धो सकते हैं, और जैसे बड़ों का भी एक सूट डाल के वॉश कर सकते हैं। अच्छा, बड़ों का भी बड़ों का इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इसका रूलर कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हैवी है और कैपेसिटी वाइज में ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जैसे दिखने में बड़ी कॉम्पैक्ट सी है, पोर्टेबल सी है, कहीं भी आप रख दें। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें इन्होंने ये बनाया है बेबी वॉश का। पहले इसके अंदर जो स्पिनर्स आ रहा था, यानी कि स्पिनर्स हम इसको कह रहे हैं, ये इसका स्पिनर है, ये देखें आप, ये पूरा इसका स्पिनर है। और इसमें आपको कैसे भी पानी भरने की जरूरत नहीं है, या आप नल में लगा लें या आपका एक स्विच इसमें लग जाएगा, सिंपल ऑटोमेटिक सिस्टम। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने इसको कर देते हैं साइड पे पहले। अच्छा, इसका रूलर कैपेसिटी जो है वो काफ़ी हैवी और बेहतर बनाई हुई है, ये भी 90 वॉट पे एक फैन से भी कम यूज़ में आएगी। अच्छा, क्योंकि आप कोई भी मशीन उठाते हैं बेबी वॉश में वो 110 से ऊपर चली आती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी पहले वाली मशीन, वो भी 90 वॉट पे, लेकिन उसका रूटर्स कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। ये प्रॉपर वॉशिंग मशीन, ये प्रॉपर मशीन कहते हैं जी, यानी कि 1% अगर से कोई रह रहा है तो ये उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन और बढ़िया है। सॉक्स आप देखें, सर्दियों में वॉश कर सकते हैं, ग्लव्स होते हैं, स्कार्फ होते हैं लेडीज, ये तमाम चीजें आप आसानी इसमें, और बहुत ही पोर्टेबल है, आप कहीं भी रख दें इसे। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा चला के आप दिखाएंगे। जी बिल्कुल, मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। अच्छा, देखिए ये भी हम आपको चला के दिखाते हैं कि इसका क्या फंक्शन वगैरह है। ठीक है, देखिए हमें स्टूल पे रखी हुई है ये सिंपल सी, और हम इसे भी आपको चला के दिखा रहे हैं, आप कहीं भी मतलब बेसिकली से रख सकते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट सी है। और सर्दियों में वैसे भी कपड़े धोना एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। ये देखिए ये ऑन हो चुकी है, ठीक है, और बिल्कुल भी इसकी आवाज़ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे आपकी एक बड़ी मशीन होती है ना, वन वे टू वे साइड, तो इसमें टोटल वैसे ही काम करती है जैसे वन वे और टू वे साइड है। इसमें आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि यार ये वन साइड कर ले या टू साइड यूज करे। इसको आप जैसे आप बड़ी कपड़ों के आपके बड़ी मशीन कपड़े धोती है वैसे ही सेम ये कपड़े आपके वॉश करेगी टोटल। अच्छा, दूसरी बात इसकी ये भी है, जब आपके कपड़े पूरे वॉश हो जाएं अच्छी तरीके से तो आपने इसकी रोटेशंस कैपेसिटी, इसका ये टाइमर दिया हुआ है, ये टाइमर टोटल खुद ही आके जैसे हमारे बड़ी मशीनों में होता है एलईडीज, वही आके बंद हो जाएगा। अच्छा, अदरवाइज हमने इसका स्पिनर यूज़ करना हो तो इजीली इसका स्पिनर भी हम लगा सकते हैं, और उसको लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। जी लगा, ये है इसका स्पिनर। सही है, ठीक है, ये जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले ये प्लास्टिक में आता था, अभी ये स्टेनलेस स्टील में आता है, तो रस फ्री है, ये अच्छी बात तो है। आपका इसमें एक तो टाइम भी बचेगा, जो हाथ से निचोड़ने वाला काम है वो सारा ये करके दे रही है। सही है, क्योंकि इतने बड़े इतने छोटे स्पिनर्स में कभी भी ये नहीं आया है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर हमने कपड़े डाल दिए, कपड़े डालने के बाद
वही उसी तरीके से, लेकिन हमें स्पिन के लिए हमें पहले इसको स्पिनर करना पड़ेगा। सही। ये स्पिनर पे हमने इसको कर दिया, यह वही टाइमर यूज होगा जो पहले हो रहा ठीक था। है ठीक है। अब इसकी देखिए जबरदस्त, इसकी स्पीड भी तेज है, पावर कैपेसिटीज भी है, बिल्कुल नॉर्मल ऐसा लग रहा है कि जो घर में वॉशिंग मशीन बड़ी यूज बड़ी है, बिल्कुल वैसे ही छोटा है, बिल्कुल वैसे इसमें साइज छोटा है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए भाई छोटा पैकेट जो है वो बड़ा धमाका है ये, और पूरा काम कर रहा है कि माशाल्लाह से, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी, कहीं भी रख लें, वही सेम ड्रेन सिस्टम है, वाटर लेवल का भी उन्होंने बताया हुआ है कि कितना रखना है। तो भाई इसकी प्राइस क्या होंगे? ये एक्चुअल इसके प्राइजेस हैं 10,900 के। ठीक है। लेकिन हमारी जो लॉक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कर रही है इस वक्त एज काबा नेशनल को प्रमोट, तो ये आपको 9,500 रुपये की पड़ेगी। 9,500 जी। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।